वेलकम टू माई ऑल फ्रेंड्स. इन दिस वीडियो सेशन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट डीएनए डैमेज्ड चेक पॉइंट. ओके, पार्ट वन और पार्ट टू प्रीवियसली वीडियो के अंदर हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा है सेल साइकिल चेक पॉइंट एंड एसएसी के बारे में. ओके, अब आज हम देखने वाले हैं डीएनए डैमेज्ड चेक पॉइंट्स. ओके, यानी कि डीएनए जो है वो प्रॉपरली उसका रेप्लिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है. ओके, क्रोमोसोम्स जो है वो क्लियरली अटैच हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो सभी हमने एसएससी के अंदर देख लिया. लेकिन अगर क्रोमोसोम्स के अंदर डैमेज है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर डैमेज है, तो भी वो डॉटर सेल्स के अंदर पास ना हो, उसका इंश्योरेशन या फिर उसका चेकिंग कहाँ पर होता है, तो डीएनए डैमेज्ड चेक पॉइंट्स के द्वारा होता है. तो डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज लाइक दैट G1S चेक पॉइंट. ओके, यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही सेल जो है वो G1 में से जैसे S फेज में जाने का ट्राई करता है, वहाँ पर एक चेक पॉइंट आता है जिसे कहा जाता है G1S चेक पॉइंट. ओके, अगर सेल को G1 के में से S फेज में जाना है, तो जो पेरेंटल डीएनए है उसमें कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, तभी जाकर वो आगे एस फेज के अंदर एंट्री ले पाएगा. ओके, देन एंड देन आफ्टर इंट्रा एस फेज चेक पॉइंट. इंट्रा एस फेज चेक पॉइंट में क्या होता है कि ये चेक पॉइंट जो है वो सेल के एस फेज के अंदर उसे चेकिंग के लिए रोक देता है. यानी कि क्या करेगा, वो डीएनए का रेप्लिकेशन ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है. ओके, यानी कि सेमी कंजर्वेटिव वे के अंदर डीएनए प्रॉपरली बना है या नहीं बना, ये सब कुछ इंट्रा एस फेस चेक पॉइंट के अंदर चेक किया जाता है. और देन आफ्टर वन वो जब G2 में जाएगा और G2 में से वो M फेज में जाता है, तब क्या होता है, तो वो प्रॉपरली मेटाफेज के अंदर जाने के लिए तैयार है कि नहीं है, एम फेज के अंदर जाने के लिए तैयार है कि नहीं है, वो सभी G2M फेज के अंदर चेक किया जाता है. तो दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ डीएनए डैमेज चेक पॉइंट विच इज एंश्योर द डीएनए इज नॉट डैमेज, और डैमेज हुआ है तो उसे एपोप्टोसिस करने के लिए या फिर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देगा. ओके, ये चेक पॉइंट. तो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे. आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड द डीएनए डैमेज चेक पॉइंट. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस थ्री वीडियो सेशन सीरीज, पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री, जिसमें हमने बात की थी सेल साइकिल चेक पॉइंट, एसएसी यानी कि स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, एंड देन डीएनए डैमेज चेक पॉइंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द clear session of this cell cycle checkpoint. This is a very important pathway, because if you are not having the knowledge about the checkpoints, you are not clearly understood about this DNA repair mechanism and all on that. Okay, thank you so much for watching my video lectures.